साल पहले बनी देसी कंपनी ने बनाया सुपर हथियार, बिना सैनिक मचा दे तबाही, फूल गई चीन पाकिस्तान की सांसें। मीडियम एल्टीट्यूड 15,000 फीट लॉन्ग एंड्यूरेंस मील वाले मानव रहित हवाई यान यूएवी के रूप में वर्गीकृत एफडब्ल्यूडी 200 भी निगरानी के लिए आवश्यक ऑप्टिकल पेलोड और हवाई हमलों एवं बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। देश का पहला स्वदेशी अनमैन बॉम्बर पेश किया गया। सबको ये कहते सुना जाता है कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सही प्रतिभा को सही मौका मिलने में समय लग जाता है। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, उसने भी भारतीयों की प्रतिभा का लोहा मनवाने का काम किया है। मात्र 2 साल पहले इस कंपनी का गठन हुआ और अब एक ऐसा सुपर वेपन या देश के काम आ सकने वाला हथियार बना दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों पर भारी पड़ सकता है। दरअसल यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि बिना पायलट के उड़ने वाला यह विमान सटीक निशानों पर बम भी बरसा सकता है। इससे पहले किसी भी भारतीय कंपनी ने ऐसा कोई अनमैन बॉम्बर नहीं बनाया था। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयरोस्पेस FWDA कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के सपने के साथ शुरू हुई इस कंपनी ने देश में निर्मित पहला मानवरहित बॉम्बर विमान पेश कर दिया है। इसका नाम FWD-200B। मंगलवार को इसकी सफल उड़ान का ऐलान किया गया। कंपनी द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार वह देश की पहली कंपनी बन गई है जिसे स्वदेशी यूएवी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए DGCA टाइप सर्टिफिकेशन मिला है। इस कंपनी की स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। इसके संस्थापक का नाम सुहास तेजसकर है, जो अभी कंपनी के CEO भी हैं। फ्लाइंग वेज एक डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर में उन्नत तकनीकी सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी है। कंपनी द्वारा खुद की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के अनुसार इसके पोर्टफोलियो में कई प्रोडक्ट हैं, जो कॉम्बेट से लेकर खेती तक में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लिंक्डइन पर दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी के पास अभी 150-200 कर्मचारी है। कंपनी के पास बेंगलुरु में 1.5 एकड़ जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के पोर्टफोलियो में त्रिनेत्रा 10 अविलांस ड्रोन है, नराकायान द किलर एयरक्राफ्ट, रुद्रा फिक्स्ड विंग VTOL, विजय द ड्रोन कैचर, फॉरवर्ड 10 एग्रीकल्चर ड्रोन, व्यूहा स्वॉर्म ड्रोन। कंपनी का दावा है कि आप उसकी ऐप पर जाकर अपने खेत को लोकेट कर सकते हैं और फिर उनकी ड्रोन की मदद से खेत में जो भी छिड़काव करना चाहें वह एक क्लिक पर कर सकते हैं। ये देश में निर्मित पहला अनमैन बॉम्बर है। ये 30 किलोग्राम का भार लेकर उड़ सकता है। इसकी लंबाई 3.5 मीटर और विंग का फैलाव 5 मीटर का है। उड़ते समय यह अधिकतम भार 102 किलोग्राम हो सकता है। कंपनी के संस्थापक तेजसकर के अनुसार इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे उड़ने के लिए केवल 300 मीटर के रनवे की जरूरत है। कुछ खबरों के अनुसार US का इसी तरह का एक बॉम्बर करीब 250 करोड़ रुपए का होता है, लेकिन इसकी कीमत केवल 150 करोड़ रुपए रखी गई है।